फ्री जॉब, उनको कुछ हेल्प मिल सके, काफी डिमांडेबल जॉब पैकिंग की। हाय गाइस, दिस इज जियान, यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब हेल्पफुल फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए मैं लेके हाजिर हूँ एक और फ्री जॉब, बिल्कुल फ्री जॉब, बिना किसी ज्वाइनिंग चार्ज का, बिना किसी ज्वाइनिंग फॉर्म के। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को टच कर लें ताकि नई नई जॉब की अपडेट्स आप तक मिले, और वीडियो पसंद आने पर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना कभी ना भूलें। जिन लोगों को कुछ हेल्प हो सकता है, जो घर पे बैठे हैं, जिसके पास काम नहीं है, जो काम छोड़ चुके हैं, उनको कुछ हेल्प मिल सके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में। और कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट्स जरूर करें, हम लोग आपका तुरंत रिप्लाई देते हैं कमेंट्स का। तो गाइस, ये जो जॉब होने वाली है वो काफी डिमांडेबल जॉब है। एक्चुअल में जो दिन में मान लो 100-200 फोन आएगा ना, उस 100-200 फोन में से काफी ऐसे कॉल्स आते हैं जो बोल रहे कि सर पैकिंग का जॉब लेके आइए, पिकिंग का जॉब लेके आइए, पिकर्स का जॉब लेके आइए। तो वही जॉब मैं आज आपको सामने लेके हाजिर हूँ, जो बिल्कुल भी फ्री होने वाली है, जो आपको वर्क एट आवर के अलावा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि काफी सारे ऐसे जो है यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारी कंपनी की बराबरी करने पर तुले हैं, जो फ्री जॉब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड पे वो लोग जो है 1,000 रुपया 3,000 2,000 मांग ही लेते हैं। लेकिन यहाँ आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ आपको शुरू से लगाकर एंड तक आपको फ्री का नाम ही सुनाई देगा, और एंड से लगाकर अंत तक, जहाँ आप काम करने से लगाकर आप ड्यूटी छोड़ने तक, आपको यही रहता कि फ्री रहता है, कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ये जो जॉब होने वाली है वो पैकिंग की जॉब होने वाली है। पैकिंग कंपनी होने वाला है जीवा कंपनी। जीवा कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसमें जो रहता है काम एकदम ही इजी काम रहेगा। इजी काम आपको जो है पैकिंग का काम रहेगा, पैकिंग प्रोडक्ट क्या रहेगा और आइटम क्या रहेगा, सैलरी कितना रहेगा वो बता देता हूँ मैं आज आपको। कि प्रोडक्ट जो रहता है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखने को मिलेगी इसमें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बोले तो हम लोग जो है लेडीज लोग, लड़के लोग जो मतलब कान का झुमका है, या फिर गले की चेन है, या फिर हार है, मतलब कुछ अपने हाथ की चेन है, मतलब या फिर लॉकेट है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो सोने जैसी दिखती है, सोना होता नहीं है वो, सोने जैसी दिखती है वो, जो गारंटी की आती है कंपनी, मतलब एक फैंसी स्टोर में मिलती है ना छोटे छोटे प्रोडक्ट, जो गारंटी वारंटी रहती है 3 साल, उसका कलर कहीं नहीं जाता है, या फिर मतलब एक सोने जैसी चमकने वाली चीज़ें, जो हार वगैरह, हार सेट वगैरह, नेकलेस वगैरह, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, छोटी 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 चीज़ें, बस वही काम आपको पिक करना रहता है। अपने घर में जो कुरियर आता है, छोटे छोटे पार्सल में अपना जो छोटा फोन होता है, या फिर छोटी दवाई का पैकेट आता है, बस उतना छोटा छोटा आपका पैकिंग का काम रहेगा इस कंपनी में। टाइमिंग इसमें होने वाली है सुबह 6 बजे से लगाकर दोपहर के 3 बजे तक, सुबह 6 से लगाकर दोपहर के 3 बजे 9 घंटा ड्यूटी। दूसरा शिफ्ट चलने वाला है इसमें दोपहर के 12 बजे से लगाकर रात के 8 या 9 बजे तक, इसमें भी 9 घंटा ड्यूटी। तो शिफ्ट जो रहता है कंपनी चेंज करती रहती है, महीना 2 महीना 15 दिन में जो है सुबह आने वाले को फिर जो है दोपहर में बुलाती है, फिर दोपहर में बुलाने वाले को सुबह बुलाती है। तो इनका रोटेशनल शिफ्ट चलता रहता है, शिफ्ट वो लोग चेंज करते रहते हैं। 9 घंटा ड्यूटी है। अब एक्चुअल में 9 घंटे से एक्चुअल मुझे याद आया कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इतना बोलते कि सर 8 घंटे का कोई जॉब लेके आई है, 8 घंटे ड्यूटी वाला जॉब लेके आई है। तो फ्रेंड्स, मैं इतना क्लियर कर देता हूँ कि आपको ऑल ओवर इंडिया में जो है ना 8 घंटे का कहीं पर भी काम देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो है ना वो 9 घंटा काम करवाते हैं आपसे। 1 घंटा आपका जो है रेस्ट का, खाने पीने का, चाय पानी का, एक अलग से निकाला जाता है। आपसे जो है 8 घंटा ड्यूटी लिया जाता है, आपसे 8 घंटा का काम लिया जाता है, आपको 8 घंटा काम करवाया जाता है टोटली। तो 9 घंटा इसमें ड्यूटी रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। लोकेशन होने वाला है आपका कनकपुरा, तलगटपुरा के नियर बाई में।
सैलरी रहेगी इसमें 12,000 इन हैंड, ये वाली सैलरी 12,000 इन हैंड होने वाली है। टोटल सैलरी होने वाली है आपकी ये वाली, टोटल सैलरी जो ये सैलरी रहती है ये विथ ESIPF रहता है, और ये जो सैलरी रहता है ये विदाउट ESIPF रहता है। अब ESIPF में जो है आपको 3 महीने के बाद में, सिर्फ 3 महीने के बाद में कंपनी आपके अकाउंट में क्रिएट करती है आपका ESIPF अमाउंट। तो मान के चलिए कि आप स्टार्टिंग में 12,000 सैलरी ही पकड़ के चली है, आप जो है CTC सैलरी नहीं पकड़ के चली है, आप 12,000 सैलरी ही पकड़ के चलिए। और ये हम लोगों का कंपनी का एक रूल्स है कि आपको वही चीज़ दिखा दी जाती है, वही चीज़ बताई जाती है जो आपको रियल में मिलती है, जो आपकी कमाई रहती है। फेक यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है दूसरी कंपनी और दूसरी एजेंसी के जैसा। वर्क इट आवर आपको एक ऐसा जॉब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री जॉब मिलता है। वर्क एट आवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको रियल जॉब देखने को मिलता है, और वर्क एट आवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको तुरंत ज्वाइनिंग मिलती है। आप आ जाते हैं, आपका नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग हो जाता है। तो बिठा के रखने का यहाँ पे काम नहीं होता है कि आप 3 दिन 4 दिन घर पे बैठे रहो, रूम पे बैठे रहो, रेस्ट करो, हम लोगों के पास काम नहीं है, काम आने दो, काम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो वर्क एट आवर के ऊपर ट्रस्ट बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। तो गाइस इसमें जो सैलरी होने वाली है 12,000 इन हैंड होने वाली है, जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी वो 12,000 रुपए रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे अच्छे बेनिफिट हैं। इसके अलावा कंपनी जो है आपको 50 रुपये पर घंटे के हिसाब से ओवर टाइम देती है, OT देती है, जो मान के चलिए डेली का 1-2-3 घंटा OT रहता ही रहता है, लेकिन OT जो है कभी कंपलसरी नहीं रहती है। कंपनी के पास अगर ज़्यादा काम रहेगा तो आपको OT जो है 100% जो है 2-3 घंटा मिलता ही मिलता है। अगर मान लो कि जो है आपको 2 घंटा डेली का OT मिलता है इस कंपनी में, तो एक दिन का आपका 100 रुपीज़ हो जाता है, और 100 रुपीज के हिसाब से 26 दिन वर्किंग रहता है, तो 2600 रुपये आपका OT का हो जाता है। तो 12,000 सैलरी है, 2600 रुपये OT का मान के चलिए, अगर 3 घंटे के हिसाब से होगा तो 50 रुपये एक्स्ट्रा वो समझ लीजिए। तो कहने का मतलब है कि OT तो आप छोड़ दीजिए, अगर कंपनी के पास रहेगा तो मिलेगा, रहेगा नहीं बोले तो कंपनी के पास OT रहता है तो आप करना ही पड़ता है। तो आप OT का तो छोड़ दीजिए, अगर आपकी मर्जी आप करेंगे तो आपको वो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, ऐसा OT का फिक्स नहीं रहता, लेकिन सैलरी आपका फिक्स रहता है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से रूम की फैसिलिटी फ्री रहती है। दूसरे कंपनी के जैसा यहाँ पे आपको पहले कुछ बोला जाता है, बाद में कुछ दिया जाता है, रूम का चार्ज काटा जाता है, एडवांस का रूम का लिया जाता है, 3 महीने के बाद रिफंडेबल रहता है, 6 महीने से जो है बाद में आपको वापस पैसा मिलता है। यहाँ पे ऐसा कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। कहने का मतलब है कि पैसे के नाम पे आपको कुछ भी नहीं लूटा जाता है, पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं लिया जाता है। आपको रूम जो है फ्री रहेगा कंपनी के थ्रू, आपको रूम का 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, ना तो भाड़ा देने की जरूरत है, ना एडवांस देने की जरूरत है। तो कंपनी रूम आपको फ्री देगी इसमें। इसके अलावा 3 महीना ड्यूटी करने के बाद में आपका ESIPF चालू होगा, जो 1200 रुपये के लगभग क्या जो है रहता है कंपनी के थ्रू, बोले तो 10% के हिसाब से रहता है, 1200 रुपये समझ लीजिए 10% रहता है, तो 1200 रुपये आपका ESIPF का हो जाता है। काम कैसा रहेगा कि एक बहुत बड़ी टेबल्स रहती है, चारों तरफ छोटे 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 बड़ी बड़ी टेबल्स रहती है, उसके ऊपर आपको कुर्सी लगा के बैठना रहता है, कुर्सी लगा के बैठ के पैकिंग करना रहता है। जो प्रोडक्ट छोटे छोटे प्रोडक्ट रहता है वो प्रोडक्ट दिया जाता है, वो प्रोडक्ट को देख के उसको पैक करना रहेगा, उसके ऊपर स्टिकर चिपकाना रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट है, रेट क्या है, वो सब छोटे छोटे स्टिकर रहता है, वो स्टिकर दिया जाएगा, स्टिकर चिपकाने के बाद वो आगे आगे प्रोसेस होता है, उतना ही काम रहता, कुछ भी हेवी काम नहीं रहता है। अब क्वालिफिकेशन में जो है इसमें मिनिमम 10th पास होना चाहिए बंदा, 10th 12th मिनिमम पास होना ही चाहिए। रीजन उसका यह है कि इसमें जो है स्टिकर वगैरह दिया जाता है, इसमें जो प्रोडक्ट दिया जाता है वो थोड़ा पढ़ना आना चाहिए,
जनरल इंग्लिश रहता है, कुछ हेवी इंग्लिश नहीं रहता। हम लोग जो अपना फोन चलाता है ना, बस वो जो फोन में इंग्लिश रहता है ना, वही इंग्लिश वहां पे रहता है। प्रोडक्ट का नाम क्या है वगैरह, वो सब कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिख आना चाहिए, बस उतना ही। ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, अनपढ़ इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बोल दे कि सर मैं जो है अनपढ़ हूँ लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। तो कहने का मतलब है कि उसको इंग्लिश का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। वैसे मान के चलो तो आजकल हर किसी को जो है फोन तो जनरल चलाना आता ही है, सब लोग फोन पे जो है इंग्लिश करके रखते हैं ना सेटिंग में, तो वही समझ लीजिए। तो कहने का मतलब है कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 18 से लगाकर 30 साल तक इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। 18 से लगाकर 30 साल तक बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है, ज्वाइन हो सकता है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों रिक्वायरमेंट है, चाहे आप लड़का है या लड़की है। लड़की लोग सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर वाले, नॉट आउट ऑफ स्टेशन वाले। अगर वो बोल रहे हैं कि सर मैं आउट ऑफ स्टेशन से हूँ, मुझे काम चाहिए लेडीज लड़की लोगों के लिए, तो ये वाला काम उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी इसमें रूम की फैसिलिटी लड़की लोगों के लिए नहीं अभी प्रेजेंट टाइम में रखा रखा है। सिर्फ और सिर्फ लड़के लोगों के लिए रूम की फैसिलिटी है इसमें। तो अगर आप लोकल से हैं, बेंगलोर से हैं और नियर बाई करिमपुरा रोड में रहते हैं लेडीज या जो है लड़की लोग, तो वो अप्लाई कर सकता है। आउट ऑफ स्टेशन वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। लैंग्वेज की बात करूं तो इसमें हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयाली, असमी, गुजराती, राजस्थानी, इंडिया के कौन से भी कोने से आप क्यों ना हो, आपको कौन सी भी लैंग्वेज क्यों ना आती हो, वो लैंग्वेज चलती है। लेकिन एक जनरल मान के चलिए कि आप बाहर जाते हैं, आप घर छोड़ के, घर से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, तो आपको हिंदी तो कम से कम थोड़ा बहुत आना चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग हो सके, आपको समझ में आ जाए अगला वाला क्या बोल रहा है, क्या प्रोडक्ट दे रहा है, उसके ऊपर क्या चिपकाना है, वहां पे रेट क्या रहेगी, तो वो सारा था सारा जो हिंदी में वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको हिंदी तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए। तो कहने का मतलब है हिंदी में, हिंदी जो है जनरल रहती है इसमें, लेकिन लैंग्वेज पर्टिकुलर कौन सी भी लैंग्वेज इसमें नहीं रहती कि आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा कंपनी में जो है इसमें आप 6 महीना साल भर काम करेंगे तो धीरे धीरे सैलरी इंक्रीज करती है। तो ये पैकिंग का काम है, बहुत ही इजी काम है, बहुत ही आसान काम है, हर कोई कर सकता है। हमेशा की तरह ये जो भी आपके लिए मैं जैसे बोलता हूँ कि फ्री रहती है। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फॉर्म का ज्वाइनिंग जो है चार्ज कुछ भी नहीं लिया जाता, जहाँ दूसरे जो है कंपनी वाले, दूसरे एजेंसी वाले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिया जाता है आपसे। सब कुछ फ्री रहता है, काम सिर्फ आपको करना है, मन लगा के करना है। पैकिंग का काम अब तक का बहुत ही अच्छा जॉब है यह आप लोगों के लिए। जो जो बंदा नियर बाई लोकेशन से है वो तुरंत फोन कर सकता है। कॉल करने का जनरल टाइम हम लोग का वही है, सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 5, 5:30, 6 बजे तक। संडे सैटरडे नो कॉल रहता है, संडे सैटरडे आप फोन नहीं कर सकते। आप चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों से जुड़ सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, तुरंत ज्वाइनिंग है। आप आ जाते हैं, कल आपका हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग हो जाता है, इमिडिएटली ज्वाइनिंग हो जाता है, जो ऐसी फैसिलिटी आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। कहने का मतलब है कि वर्क एट आवर में जो आप ट्रस्ट कर रहे हैं, वो ट्रस्ट जो है ना, उसी ट्रस्ट के हिसाब से हम आप लोगों के सामने लेके आते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब्स। तो इसमें फ्री जॉब है, इमिडिएटली ज्वाइनिंग है और अच्छी सैलरी है। तो गाइस बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए ये था। तो फ्रेंड्स हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी जॉब अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।